Welcome to all my dear friends in my YouTube channel Satyan Gyan Sansar. Today we will discuss about the electron transport. In photosystem second, the reaction center chlorophyll A absorbs 680 nanometer wavelength of red light, causing electron to become excited and jump into an orbit further from the atomic nucleus. These electrons are picked up by an electron acceptor by which passes them into electron transport system consisting of cytochrome. तो क्या है कि इस तरीके से देखिए, जो यहाँ पे जो क्या है कि इस तरीके से दिखाया गया है जेड स्कीम को, तो यहाँ पे जो एल एस सी लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स है 680 नैनोमीटर, तो यहाँ पे जब लाइट फॉल होती है तो यहाँ से देखिए इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर द्वारा रिसीव कर लिए जाते हैं. फूड सिस्टम सेकेंड है ये. फिर क्या है, यहाँ से अपील मूवमेंट से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसमें दे दिया जाता है, ये डाउन हिल है. फिर इस तरीके से फिर ये अपील में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दे दिए जाते हैं, फिर डाउन हिल यहाँ से ये इस तरीके से ये NADPH से NADPH बन जाता है. तो देखते हैं कि दिस मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउन हिल इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल है, यानी कि रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल है. द मूमेंट्स द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट यूज एज दे पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन बट आर पास्ड ऑन टू पिगमेंट्स ऑफ फोर्थ सिस्टम फर्स्ट, यानी कि यहाँ से ही फोर्थ सिस्टम फर्स्ट में पास किए जाएंगे इस तरीके से. और क्या है कि साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन इन द रिएक्शन सेंटर पी एस फर्स्ट आर ऑल्सो एक्साइटेड वैन दे रिशीव रेड लाइट वेवलेंथ 700 नैनोमीटर. यहाँ से ये देखिए जो पी एस फर्स्ट है, यहाँ से 700 वेवलेंथ की रेड लाइट रिसीव होगी और फिर ये एक्साइटेड होंगे. आर ट्रांसफर टू अनदर रिसेप्टर, दूसरे रिसेप्टर में ट्रांसफर किए जाएंगे टू अनदर रिसेप्टर मॉलिक्यूल दैट हैज़ ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल, जो कि ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल पे है. मॉलिक्यूल दैट हैज़ ए ग्रेटेस्ट रिडॉक्स पोटेंशियल, दीज इलेक्ट्रॉन्स देन मूव्स डाउन हिल अगेन, फिर डाउन हिल अगेन मूवमेंट होगा इस तरीके से. डाउन हिल अगेन मूवमेंट्स रिच दिस टाइम इज ए मॉलिक्यूल रिच एनर्जी रिच NADPH एंड एडिशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन रिड्यूस रिड्यूस हो जाएगा NADPH प्लस से NADPH से और यहाँ पे एच प्लस आयन. द होल स्कीम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम पी एस सेकेंड अपफिल, फिर अपफिल है इस तरीके से अपफिल और अपफिल एंड एक्सेप्टर टू द एक्सेप्टर, ठीक है. डाउन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट टू द पी एस फर्स्ट एंड एक्साइटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर टू अनदर रिसेप्टर एंड फाइनली डाउन इस तरीके से फाइनली इधर फिर ये NADPH प्लस कॉजिंग इट टू रिड्यूस NADPH प्लस प्लस एच आयन. इस कॉल्ड जेड स्कीम, इसको हम जेड स्कीम बोलते हैं. इस तरीके से ये जेड की तरह स्ट्रक्चर बन जाता है. जेड स्कीम ड्यू टू करेक्टरिस्टिक ऑफ द शेप जेड शेप, दिस शेप इज फॉर्म वैन ऑल द कैरियर्स आर placed in a sequence of redox potential scale. तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम स्प्लिटिंग ऑफ वाटर स्टार्ट करेंगे और फिर साइक्लिक और नॉन साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोरिलेशन है उसको हम डिस्कस किया जाएगा. फिर कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है, जो कि कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ठीक है, क्योंकि मिचेल साइंटिस्ट ने दी थी, उसको हम डिस्कस करेंगे. तो आज की वीडियो में इतना ही मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. कहते हैं कि मंजिल मिल ही जाएगी मगर देर से ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी मगर देर से ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं. यानी कि मंजिल मिल ही जाएगी मगर देर से ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं. तो लगे रहिए, कोशिश करते रहिए, प्रयास करते रहिए और वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन क्लिक ऑन राइट बटन, इफ़ यू फर्स्ट ऑफ ऑल वॉचिंग माई वीडियो देन प्लीज़ प्लीज़ क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन फॉर फर्दर अपडेट्स एंड प्रेस ऑन नोटिफिकेशन बेल फॉर द वॉचिंग ऑफ द वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम.